ख्याल से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक म्यूचुअल इंडक्शन के केस को सॉल्व किया है। इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम उसी केस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर जो है हम लोग एक कॉइल को लपेट लेते हैं। इस तरीके से कॉइल को सर्कुलर डायरेक्शन में मुख्यतः नंबर ऑफ टर्न्स की सूरत में इस कंडक्टर के ऊपर जो है हम लोगों ने लपेट ली है। अब इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी के साथ इस सर्किट को कनेक्ट करना है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने रियल स्टेट के साथ अपने सेकेंड प्राइमरी कॉइल को जो है कनेक्ट कर दिया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने इस सर्किट को यहाँ पर रियल स्टेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये अब हमारे पास एक रियल स्टेट हो गया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये स्विच एस है और ये बैटरी बी है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट के अंदर से जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करता है और यूँ चलता चला जाता है और हर नंबर ऑफ टर्न में से करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से डाउनवर्ड होती है और इस तरीके से करंट जो है वापस इस सर्किट में आके अपना एक जो अब सर्कल है उसे कंप्लीट कर देता है। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो और उस कंडक्टर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद चूँकि वो उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में होती है। ये बात हम बारह बार कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने लास्ट केस में म्यूचुअल इंडक्शन में देखा कि हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल के साथ साथ एक सेकेंडरी कॉइल भी इस्तेमाल की थी। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, यानी कि कंडक्टर है उसके ऊपर इस तरीके से कॉइल को लपेटा हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि एक गलवानोमीटर लगा दिया था जो कि ये इंडिकेट करता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होने से इसमें कितना EMF प्रोड्यूस हुआ है। अब चूंकि हमारा ये जो कंडक्टर है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास कोई भी रॉड हो, रॉड भी तो एक कंडक्टर ही है ना, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो क्या होता है कि उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वो कंडक्टर जो है एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट करता है और उसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से अपेयर होना शुरू हो जाती हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे जो कंडक्टर है अब ये इस तरीके से अमल करेगा कि अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी हैं। तो इस वजह से हमारा ये जो कंडक्टर है, ये जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है, हमारी प्राइमरी कॉइल है बेसिकली, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है और प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे करंट तब्दील होता है वक्त के लिहाज से तो ये वाली जो मैग्नेटिक लाइन्स जो फोर्स है ये साथ पड़ी हुई जो सेकेंडरी कॉइल है उनमें से गुजरती हैं, तो कभी तादाद ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, जिसकी वजह से हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसे इंडिकेट करता है ये गैल्वेनोमीटर। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस होता है जिसे हमारा गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर देता है। हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन में यहाँ तक तो समझ लिया कि हमारे पास किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन आती है, किस तरीके से एक कॉइल में चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल को इफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल के केस को तो निगलेक्ट ही कर दिया था, उसके अंदर होने वाली तब्दीली को तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था। आज हम अपनी प्राइमरी कॉइल में होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं उन्हें जो है वो डिटेल में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहले तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने कहा था कि जो हमारे पास EMF इंड्यूस होती है किसी भी कॉइल के अंदर, वो EMF हमेशा क्या होती है कि हमारा जितना भी फ्लक्स चेंज हो, मतलब जितना भी आपके पास फ्लक्स के अंदर चेंजिंग है उस कॉइल के अंदर, उस फ्लक्स को आप उस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपली हमारे पास फैराडे लॉ आ जाता है। हमें मालूम है कि डेल्टा फ्लक्स डिवाइड डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमें बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और एन ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कॉइल के ऊपर इस वक्त कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कॉइल जो कि हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल पे इस वक्त हमारे पास जो है 6 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है जाहिर सी बात है इसके अंदर से हम लोगों ने बात की थी कि हमारी प्राइमरी कॉइल में जब करंट तब्दील होता है वक्त के लिहाज से तो करंट की ये तब्दीली साथ रखी हुई कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन करंट की तब्दीली तो बेसिकली प्राइमरी कॉइल में हो रही है तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आई होगी ना इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्राइमरी कॉइल के अंदर से जो करंट की वेरिएशन हो रही है वक्त के लिहाज से करंट जो है तब्दील होता चला जा रहा है, तो जैसे ही करंट की इंटेंसिटी है, करंट की जो मिकदार है, जो उसकी क्वान्टिटी है जो इसके अंदर से पास कर रही है वो तब्दील हो रही है, तो जैसे ही वो वेरी करेगी जाहिर सी बात है करंट की मौजूदगी की वजह से ही तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ये भी करंट की वेरिएशन
इंडक्शन की वजह से कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो कम या ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो इफेक्ट आएगा वो ये कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है कभी बढ़ रही हैं और कभी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इस कॉइल के अंदर भी एक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस कर देती हैं। इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है जो कि इसके अंदर एक एडिशनल EMF प्रोड्यूस कर देता है, जैसे कि फैराडे लॉ ने हमें बताया था। अब हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, मतलब कि फ्लक्स की तब्दीली हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है EMF भी हमारे पास आएगी। ये तो हमारे पास फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमें ये भी पता है कि इस कॉइल में से जो करंट है वो जितना ज़्यादा मैक्सिमम होता चले जाएगा उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तब्दील होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है करंट बढ़ता चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता चला जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इस सिचुएशन में हमारे पास 6 हैं, अगर ये 6 की जगह 12 हो जाए या 18 हो या 24 हो जाए, मतलब कि इनकी तादाद बढ़ती चली जाए, तो हर नंबर ऑफ टर्न्स में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट पास कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाए या बहुत क्लोजली ये पैक्ड हो जाए, तो हर कॉइल के हर नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से भी जाहिर सी बात है करंट गुजरेगा। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही हमारे पास इनडायरेक्टली करंट बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली हमें इन दोनों ही क्वेश्चन की मदद से ये कहना चाहिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू टोटल हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं हमारे करंट के साथ। और हमें मालूम है कि अगर हमें डायरेक्टली का रिलेशन ख़त्म करना हो तो हमें इज इक्वल्स टू के बाद सम कांस्टेंट प्लेस करना पड़ता है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एल करंट लगा दिया और ये हमारे पास आई है और एन इंटू हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एल ही क्यों लगाया, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एम इसलिए यूज़ किया था कि एम म्यूचुअल इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो एल है ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करेगा। इंडक्टेंस ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ जाती है इस तरीके से। और सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये बेसिकली कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली हमारे कंडक्टर की लेंथ होती है। जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये भी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि हमारे ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जैसे कि फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि अगर मैं एल की फॉर्म में से लिखूँ तो एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। इसका मतलब है ये पास होने वाले करंट पर भी डिपेंड करती है और जितना उसके अंदर जो है फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करती है, किस मटेरियल का आपका कॉइल और कंडक्टर बना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्टेंस एल को निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, एल के लिए मजीद अच्छा फार्मूला निकालेंगे। ये तो बस मैंने इधर से इसको एल को सेपरेट करके दिखा दिया ना कि एल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या, हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है वो इस रेट ऑफ जो हमारा करंट था प्राइमरी कॉइल में उसकी तब्दीली की वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से हमारे पास आए कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की फॉर्म में है। तभी तो हमें पता चल सकता है ना कि हमारा जो इंडक्टेंस है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी कॉइल में से गुजरने वाले करंट की तब्दीली पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम लोगों ने ये तो बता दिया कि हमारे जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनका प्रोडक्ट अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ ले लें तो ये हमारे पास एल इंटू आई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर मैं सिर्फ फ्लक्स के बारे में रिलेशनशिप निकालना चाहूँ कि टोटल फ्लक्स जो तब्दील हो रहा है आया कि वो कितना है, तो वो हमारे पास एल आई डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा और ये एन जो है हमारे पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे ने कहा कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इन n नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम लोग टोटल जो हमारे पास फ्लक्स चेंज हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास इंड्यूस्ड जो है EMF आ गई। अगर अब मैं इस फ्लक्स के अंदर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसकी जगह मैं ये फार्मूला पुट कर दूँ तो ये भी तो उसी की एक फॉर्म है ना, अगर उसे मैं इसमें जो है प्लेस कर दूँ इक्वेशन ए है तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से कि ये हमारे पास इंड्यूस EMF थी, ये हमारे पास एन है जो कि प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह एल इंटू आई डिवाइडेड बाई एन पी लगा दिया जो कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइडेड बाई डेल्टा डी। डेल्टा डी तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसके लिए तो हम लोगों ने कोई भी जो है एक्सप्रेशन बनाया ही नहीं, उसके लिए कोई भी हम लोगों ने जो है बताया ही नहीं कि डेल्टा टी क्या है। बेसिकली डेल्टा टी टाइम है जिस दरमियान ये सारी चेंजेस
हो रही है, तो डेल्टा टी को हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने दिया। अब क्या होता है कि ये एन पी जो है एन पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है इंड्यूस ई एम एफ आ जाएगी वो एल इंटू आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ जाएगी। अगर मैं इस आई को सेपरेट करके इस फॉर्म में लिख लूँ कि एल एज इट इज़ ही रहने दूँ और आई की जगह डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर लूँ, क्योंकि हमारे पास करंट जो है इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर कहीं भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये बढ़ता चला जाता है। स्टार्टिंग में कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा होता चला जाता है वक्त के लिहाज से। तो अगर मैं इस चीज़ को सेपरेट करके लिख लूँ तो ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया। बेसिकली हम लोग यही एक्सप्रेशन तो बनाना चाहते थे कि हमारे पास कोई एक ऐसी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपने सेल्फ इंडक्टेंस के साथ रिलेट कर सकें। अब आप अगर आपको ये भी बताना हो कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका रिलेशन बताना हो, तो आप बता सकते हैं कि जितनी सेल्फ इंडक्टेंस इसके अंदर आई होगी उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। और सेकेंड चीज़ की अगर आपको बताना हो कि आपकी इंडक्टेंस कितनी है, तो इंडक्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ के नीचे जाकर डिवाइड कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, क्योंकि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वेरिएशन 1 एम्पेयर पर सेकेंड के लिहाज से हो रही हो, तो ये 1 एम्पेयर पर सेकेंड का जो वेरिएशन है, जो चेंजिंग है, उस कॉइल के अंदर अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस कर दे तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमारे पास 1 हेनरी आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, उसका यूनिट भी हेनरी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर पर सेकेंड के इक्वल है। मतलब कि किसी भी कॉइल के अंदर जो कि प्राइमरी कॉइल है बेसिकली, तो चेंजिंग ही प्राइमरी कॉइल में होती है, उसी की बदौलत सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर अगर करंट की वेरिएशन इस तरीके से हो रही है कि वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड के लिहाज से तब्दील होता चला जा रहा है और 1 वोल्ट का उस कॉइल के अंदर जो है वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग हेनरी कहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट बेसिकली हेनरी आया किस तरीके से। हेनरी जो है वो रिलेट करता है एम्पेयर से, सेकेंड से और देन वोल्ट से। तो ये तो रहा था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कि सेल्फ इंडक्टेंस किस तरीके से आती है। लेकिन अगर आपको ये बताना पड़े कि आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड आपके पास अगर ईएमएफ है, तो वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 2 तरीके से होता है। एक तो इस तरीके से आएगा, जैसे कि हमें मालूम है कि इस बैटरी को इस सर्किट से कनेक्ट करने के बाद हमारा जो करंट है वो वक्त के लिहाज से बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे ही कॉइल्स के अंदर करंट बढ़ता चला जाता है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। जो ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस्ड होती है वो क्या करती है कि वो बैटरी से प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ को अपोज करती है। जैसे कि आपको मालूम है कि लेंज़ लॉ ने कहा था कि अगर कोई भी ईएमएफ या करंट किसी चीज़ में इंड्यूस्ड हो तो वो अपने कोर्स को अपोज करता है। सिमिलरली हमें मालूम है कि करंट तो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, तो करंट की इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास जो ईएमएफ है इस बैटरी की वो भी बढ़ती चली जाएगी, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगी इस बैटरी से प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ को। बेसिकली वो इसे डिक्रीज़ करना चाहेगी, क्योंकि हमारे पास करंट भी बढ़ता चला जा रहा है और बैटरी की ईएमएफ भी बढ़ती चली जा रही है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस बैटरी से प्रोड्यूस होने वाली ईएमएफ को अपोज करेगी। सिमिलरली अगर आपका इस कॉइल के अंदर से पास करने वाला करंट जो है कम होता चला जा रहा है यानी इसकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, तो आपकी ईएमएफ क्या करेगी, आपकी जाहिर सी बात है बैटरी भी इस सिचुएशन में करंट के लिहाज से कम ही ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इसके अंदर वो क्या करती है, वो बैटरी को इस टाइम हेल्प आउट करती है कि वो मज़ीद ईएमएफ अपने अंदर ले आए। मतलब कि इस सिचुएशन में दोनों ही काम इस तरीके से होते हैं कि अगर तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है बैटरी भी ज़्यादा ईएमएफ देगी, लेकिन फिर इंड्यूस होने वाली ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट ये होगा कि वो अपोज करेगी इस बैटरी की ईएमएफ को, ये थोड़ी सी कम प्रोड्यूस करे। सिमिलरली अगर कॉइल के अंदर से कम करंट फ्लो कर रहा है तो आपका ईएमएफ जो बैटरी है वो भी ईएमएफ कम देगी, लेकिन जो आपके इस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो आपकी जो बैटरी है उसको उस वक्त हेल्प आउट करेगी, उस वक्त उसे अपोज नहीं करेगी बल्कि उसे ऐड करेगी कि वो इसके अंदर थोड़ी सी ईएमएफ बैटरी के अंदर ऐड हो जाएगी, मतलब इसे कहेगी कि वो ईएमएफ ले ले। तो इस तरीके से जो है इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है। इंडक्टेंस के अंदर जो करंट है वो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके से वेरी करता है, और ईएमएफ कभी बढ़ती कभी अपोज करती है। तो इस तरीके से ये हमारे तरीके से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में देखा था। इसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस है कि ये भी डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर ही, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी डिपेंड करती थी कि हमारे प्राइमरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किस तरीके से हुआ है। तो जब किसी चीज़ के अंदर से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो
और उस कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वेरिएशन कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो है उसके अंदर क्या होता है कि उसकी जो प्राइमरी उसका करंट तब्दील होने की वजह से उसका फ्लक्स तब्दील होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF हो जाती है और एक उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि कितनी EMF इंड्यूस्ड हुई है और वो 1 एम्पीयर पर सेकेंड की वजह से हुई है। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्टेंस के बारे में भी पता कर लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किस तरीके से कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुई है।